99 रिजॉर्ट है, ये 99 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, अच्छा उन्होंने ये बीच रिजॉर्ट बनाया है, अच्छा और वेरी वेरी सुपर। इनके ओनर कौन है? ये आज इनका फर्नीचर वगैरह आ रहा है, इट्स ऑलमोस्ट डन। देखें इतनी प्यारी हट्स बनाई हैं इन्होंने, जा रहे हैं। ये देखें इतना प्यारा झूला लगा हुआ है बीच के पास, और बच्चों की खेलने की जगह, और ये वॉक करने की बहुत प्यारी बहुत खूबसूरत वॉकवे बनी हुई है ऑलरेडी। ये आप गवादर में देख रहे हैं, डेवलपमेंट हो गई है ऑलरेडी। इसी तरह की रिजॉर्ट्स और बनने जा रही हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह आने वाले चंद 5-6 सालों में आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स और डेवलपमेंट नज़र आएगी। दिस इज़ जस्ट अमेजिंग, और ये आप नीचे लेके जा रहे हो। Hello guys, we are in the 99 beach resort. This is the best one beach resort of Gwadar. और ये आप देख सकते हैं कि ऐसी कई मिसालें आगे आने वाले ग्वादर में बनेंगी। आज का ग्वादर जो अभी बिल्कुल आप लोगों को लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से इतना अनडेवलप है और इस हवाले से, लेकिन इसके बावजूद जो लोग यहाँ आते हैं और इसकी ओरिजिनल ब्यूटी और इसकी डेवलपमेंट को देखते हैं, और यहाँ जो सोर्स ऑफ मटेरियल है लाइक पानी बिजली चीज़ें वीज़ें, वो भी इतनी जो है आसान नहीं है मिलना, लेबर नहीं मिलती, लेकिन इसके बावजूद ग्वादर अपने सफ़र को बिल्कुल सक्सेसफुल लेवल पर अचीव कर रहा है। और एक टाइम आएगा कि जब दुनिया जो है इंशाल्लाह इंशाल्लाह यहाँ लोगों के पास जो है वो इस जैसा कोई और कोई सानी नहीं है, कोई इसकी कोई मिसाल नहीं पूरी दुनिया में। जो ये 600 किलोमीटर का बीच है, एक एक जगह पर आप आपको कभी आप आएँ तो आप कहेंगे यार वाओ, दुनिया में इतना बड़ा बीच का अपॉर्चुनिटी, इतनी बड़ी लैंड, इतने बड़ा साफ पानी, इतना बड़ा प्योर और रेनबो टाइप बीच, पूरी दुनिया में इतनी बड़ी आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो टूरिज्म में आए इन्वेस्ट करें, बीच रिजॉर्ट में आए इन्वेस्ट करें, होटल चेन में इन्वेस्ट करें, पब्लिक बिल्डिंग में इन्वेस्ट करें। इस ग्वादर में इंडस्ट्रियल के बाद सबसे बड़ा जो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है वो टूरिज्म है और ये रिजॉर्ट की एक्टिविटी है। तो प्लीज़ कम इन्वेस्ट योर लैंड। जनाब आप बताएंगे कि यहाँ पे नाइटली रेट क्या है इस वक्त रिजॉर्ट में? इस वक्त का ये अभी इनकम्प्लीट है, और इन्होंने जो पैकेज निकाला है इनका जो किंग साइज बेड है वो $300 पर नाइट है। Wow. आज के इस ग्वादर का $300 पर नाइट मीन ऑलमोस्ट 55,000 to 60,000 पाक रुपी पर डे। और ये सोचें कि ये आज के ग्वादर में 60,000 रुपया रोज इन्होंने रेंट रखा है, तो कल के ग्वादर में जनाब इस रिजॉर्ट में आपको मेरा ख्याल में 6 लाख रुपए से कम कमरा नहीं मिलेगा। तो आपने जब अल्टीमेटली इस सरजमीन में आना है तो आप क्यों नहीं ऐसे बीच रिजॉर्ट में प्लॉट लेते? यहाँ अवेलेबल है प्लॉट 6 लाख रुपए में, जो आपने कमरा रेंट पे लेना है आप उसमें कम से कम आप 30-40-50 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आप यहाँ कम से कम कोई 10-12-15 मरले का रिजॉर्ट का प्लॉट ले सकते हैं। आप 70-80 लाख रुपए में ऐसी जगह भी हैं जहाँ आपको एकड़ मिल जाता है पूरा। तो जहाँ आपने उस आने वाले
ग्वादर में आने वाले 3-4 सालों में खाली 5 दिनों में आपने लाखों रुपया रेंट पे करके जाना है, वही लाखों रुपया उठाकर यहाँ लाएं और अपनी लैंड खरीदें, और बल्कि रेंटल वैल्यू पे करने की बजाय एज ए टेनेंट बल्कि रेंटल वैल्यू रिसीव करें और अर्न करें। आपके पास एक अपनी फैमिली की लैंड होगी, फैमिली का एक प्रॉपर्टी पड़ा होगा, पूरी दुनिया में आप से आप अपने गेस्ट को या इनवाइट कर सकते हैं, आपकी फैमिली के पास एक मतलब एक ऐसे दुनिया के जो है वो ये बीच अजूबा ही है दुनिया का, एक ऐसी दुनिया की खूबसूरत बीचेस वाली जगह पे अगर आपका रिजॉर्ट पड़ा हुआ होगा, आप उसको रेंट पर भी ना दें, आप उसको किसी बिजनेस लेवल पर ना दें, तो एक सोशल लेवल जो एक इंसान हाई फाई स्टेटस होता है, स्टेटस को भी ये चीज़ आप अपनी मेंटेन कर सकते हैं। तो वंस अगेन फिर आपको राय दूंगा कि अभी भी दिस इज़ द लास्ट चांस टू इन्वेस्ट इन ग्वादर इन लो बजट। और आने वाले 2-3 महीनों में क्या होने वाला है? आने वाले 2-3 महीनों में प्राइसेस आर गोइंग टू स्काईरॉकेट। आफ्टर 28 एक बहुत बड़ा जेस्टर आने वाला है। ग्वादर मास्टर प्लान जो चाइना ने एक ग्वादर स्मार्ट सिटी के हवाले से इसको दोबारा जो है एक हाई फाई लेवल पर 50 ईयर्स फोर सी करते हुए इसका जो डिज़ाइन है वो और अप टू डेट किया है,